मुझसे हो गया बचपन मगर मुझ में बच्चों सा मचलता कौन है। कहते हैं कि बचपन उम्र या किसी पद का मोहताज नहीं होता, खास तौर पर जब आपके सामने स्कूली बच्चे हों और क्लास चल रही हो। जी हां, ऐसा ही कुछ नजारा रामपुर जिले में देखने को मिला, जहां रामपुर के जिलाधिकारी अध्यापक बनकर छात्र छात्रों को पढ़ाने लगे तो निचले अधिकारियों ने भी देश के नौनिहालों को पाठ पढ़ाने में जरा भी देर नहीं की। रामपुर जिले में जिलाधिकारी की पाठशाला जिले की तहसील स्वार में खेमपुर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान चली, जहां बच्चों को पढ़ता देख जिलाधिकारी खुद को रोक नहीं पाए और देश के नौनिहालों को पढ़ाने में जुट गए। आपको बता दें कि माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षण के समय जब वो पूरे स्कूल का जायजा ले रहे थे, तभी उनकी नज़र छठवीं क्लास में पढ़ रहे बच्चों पर पड़ी और वे अचानक ही क्लासरूम में पहुंच गए और देखते ही देखते जिलाधिकारी कुछ ही समय में अध्यापक के रूप में बदल गए। हाथ में डस्टर तेजी से ब्लैक बोर्ड पर फिसलने लगा और बच्चों के मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं उमड़ने लगी। जब एक बार बच्चों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो बात सामान्य ज्ञान से शुरू होकर पड़ोसी देशों तक जा पहुंची। फिर क्या था, मास्टर बने डीएम ने बच्चों के सवालों के ना सिर्फ जवाब दिए बल्कि पड़ोसी देशों के बारे में सामान्य जानकारी भी दी। इसके बाद स्कूल के निरीक्षण के दौरान मिड डे मील और तमाम प्रकार की सुविधाओं को सुधारने के निर्देश भी जारी किए। बचपन का दौर सुहाना यूं ही नहीं होता। किसी ने बचपन के स्कूली दिनों पर क्या खूब लिखा है कि वो स्कूल के बस्तों को हर रोज सजाना, वो स्कूल में ही कभी पेंसिल कभी रबड़ का खो जाना, वो छुट्टी की घंटी बजते ही यूं दौड़ लगाना, ना जाने कहाँ खो गया वो मनमौजी जमाना। रिपीट, ना जाने कहाँ खो गया वो मनमौजी जमाना। रामपुर से जनमत न्यूज के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।